अब एक भी एग्जाम वो सही तरीके से नहीं करा पा रहे तो उसे क्या राज संभलेगा, क्या वो राज में वो कर सकते हैं। तो आज जो ये प्रदेश की जो हालात है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आप देखे होंगे जिस प्रकार से इन्होंने गड़बड़ किया है, तो आज चंपई सोरेन जी से मैं कहूंगा कि अब याद रखना, अगर आपने कहा कि उसी रास्ते पर उस काम को आगे बढ़ाएंगे, तो जैसे हेमंत सोरेन का राज ठिकाना हटवार जेल बना है, तो आने वाला कल अगर आप भी उसी रास्ते पर चलेंगे तो आपके लिए भी जगह वहीं सुरक्षित करा दी जाएगी। बोले ऐसे ये कैसे चल सकता है? तो इस प्रदेश में रक्त के राज्य के साथ ये लूटने में और लुटेरियों को जो संरक्षण देता हो, लुटेरियों को जो बढ़ावा देता हो, आज इस प्रदेश की ये हालत पैदा हो गई है। आपने देखा कि इस प्रकार से हेमंत सोरेन जी सदन में तो कहते हैं, अभी आप सब लोग यहाँ उल्लेख किसी लड़के ने कर रहे थे कि भाई हम झारखंड छोड़ देंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हमारा नाम बता दो भाई, किसको बता रहे थे, नाम बता दो। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है उसमें नाम से नहीं होता, बेनामी संपत्ति लोग अर्जित करते हैं उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और बेनामी संपत्ति इन्होंने किस प्रकार से अर्जित किया है, कई एक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, नाम बदल बदल करके इस व्यक्ति ने जमीन लिया है। हेमंत सोरेन का नाम हम सब लोगों ने सुना है, बसंत सोरेन का नाम हम लोगों ने सुना है, शिबू सोरेन का नाम हम लोगों ने सुना है, दुर्गा सोरेन का नाम हम लोगों ने सुना है। लेकिन नाम बदला तो कहीं कुमार लग गया, नाम बदला तो कहीं प्रसाद लग गया, नाम बदला तो शिबू नहीं शिव हो गए। क्या बताएंगे ये भाई, आप नाम बदल बदल करके दूसरों के नाम से आप करते हैं। आप कहते मेरे नाम से वो 8.5 एकड़ जमीन नहीं है, आपके नाम से होता तो फिर दूसरा केस होता, मनी लॉन्ड्रिंग की नहीं होती। ये तो आपने उन लोगों के गरीब ऐसे लोगों के नाम जिसका कोई आता पता नहीं है। और जिस दिन ईडी वालों ने इनको नोटिस किया, सम्मान किया, अगस्त के 7 या 8 अगस्त को इनको सम्मान किया, इस 14 अगस्त को हाजिर होने के लिए, और हेमंत सोरेन जी 14 अगस्त को हाजिर नहीं होते हैं, उनको ये पता चल गया कि हमको क्यों नोटिस किया गया, 15 अगस्त को झंडोत्तोलन करते हैं और 16 अगस्त को उस जमीन की रिस्टोर के लिए एक मुंडा से उन्होंने आवेदन कराते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिर आवेदन वो पढ़ा ही रहता है, उनको लग रहा था कि शायद कोई देखभाल नहीं करेंगे। वहां आपने देखा होगा कि वहां से इसने लोगों ने वीडियो भी बनाया था, जो वहां चौकीदारी करता है उस जमीन पर, उनसे पूछा गया कि जमीन है किसका, तो वो बताते क्या है कि आसपास के लोगों से पूछ लीजिए, सब हेमंत सोरेन जी की जमीन है, उन्हीं लोगों ने हमें भी यहाँ रखा है देखभाल के लिए। और आश्चर्य है और बोलता है कि हमारा उसे कोई संबंध नहीं है, मेरे नाम से नहीं है। कौन कहता है आपके नाम से? आपने बेनामी संपत्ति या कुछ काली कमाई के पैसा को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? तो काली कमाई के पैसा को कहीं इन्वेस्ट अपने नाम से तो नहीं कर सकते हैं, दूसरों के नाम से करना। और जब पता चले तो वो कह देते हैं कि ये मेरा नहीं है, वो तो रिस्टोर हो गया। मैं तो लोगों से कहता हूँ, किसी की गाड़ी मान लो चोरी हो जाए,